बैठे बैठे दे दीजिएगा। अक्सर होता है कि और गुजारिश करूंगा जो बच्चे गाने वाले हैं वो यहीं पे बैठे रहें, पास्टर साजिद जो लेकिन कोशिश कर गुजार हूं कि आज जब गुजार इस काबिल किया कि नपास साहब के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को ओरिएंट कर सकूं, और यकीन जाने कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ाऊँ नाम को जाता है, और उसके बाद मेरे उस्ताद जी उस्ताद नबी, उसके बाद उस्ताद अनिल देवी का और मेरे दादा उस्ताद कामरन भाई का, इनका शुक्र गुजार हूँ जिनकी विरासत से आज मैं साथ बजा कर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहा हूँ। और कुछ दिन जैसे पिछले सालों में चले जाए तो मैंने कोशिश की कि जो पास्टर साजिद ने मुझे एक मिसाल दी कि एक ढोलक बजाने वाला था तो क्या हुआ कि वो मर गया, तो मर गया, तो जब वो मर गया तो क्या हुआ कि लोगों ने ढूंढा कि यार वो जो ढोलक बजाता है वो किधर गया है, तो उसका उन्होंने कहा कोई इसका शिकीर्द ढूंढते हैं, तो उसका कोई शिकीर्द नहीं था। तो यकीनन जब उसका कोई शिकीर्द नहीं आया था, तो यकीनन जब कोई शिकीर्द नहीं आया था तो उन्होंने क्या किया कि उसको ढूंढा, मगर जब शिकीर्द हम नहीं बनाते तो हमारी जिंदगी के अंदर कोई बरकत नहीं आती। जैसे कि बाइबल में अंदर लिखा है कि तुम फल लो, और इस तरह मैंने भी सोचा कि मैं भी आगे जो इल्म को, क्योंकि किसी ने कहा है कि इल्म बांटने से बढ़ता है और जो दुख है वो बांटने से कम होता है, तो मैंने कोशिश की कि जो कुछ सीखा है वो आगे सिखाऊं। और क्या हुआ कि कुछ बच्चों के जो बच्चे थे वो इस तरह तवज्जो ना देते थे, और कुछ बच्चों के जो माँ बाप थे उनको उस तरफ उनका रुझाव नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इस साइड पर लाएँ और हम मिलकर खुदा के नाम पर जरूरत दिलाते हैं।